नगर काउंसिल सानेवाल के प्रधान सुखजीत सिंह द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों की टीम द्वारा मरीजों की जांच भी की गई और उन्हें फ्री दवाइयां भी बांटी गई। सबको पहला तो मैं SPS हॉस्पिटल, जो कि पहला अपोलो हॉस्पिटल के नाम जाने जाता है, उतों के सीनियर डॉक्टर डॉक्टर रमन गिरन ते डॉक्टर टिंगरा उन्हों की सारी टीम का उन्हों का मैं अपने वालों अपने काउंसलर साहबान साढ़े शहर के सारे वालों मैं उन्हों का धन्यवाद करदा कि उन्होंने अज अपना एक टाइम कढ़ के जो कि एक बहुत ही भयानक बीमारी हैपेटाइटिस बी हैपेटाइटिस सी जिन्हों आप पेट के रोग भी कह दें काला पीलिया कह दें वो अज तकरीबन 250 तो 300 मरीजों का उन्होंने चेकअप किया और हुण भी बहुत तादाद दे विच मरीज आ रहे हैं। और अज जो तुसी भी समझते हो कि सब तो वड्डा एक रोग यही बनता जा रहा है और मैं अपने साथियों अपने काउंसलर साहबान सत श्रीकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर जसमीत है, मैं SPS हॉस्पिटल लुधियाना कंसल्टेंट हाँ। अज कैप्टन सुखजीत सिंह हरा जी के सहयोग नाल असी इतने कैंप लगाया है तो ऑलमोस्ट 250 लोगों की असी जांच की है। इतने ये पेट ते जिगर की बीमारियों का चैकअप कैंप से इतने असी स्क्रीनिंग की है काले पीलिया के लिए तो उसके ऑलमोस्ट हुणे तक सानू 15 मरीज काले पीलिया के जिन्होंने इस बारे नहीं जा पता सीगा कि उन्होंने ये बीमारी है वो असी फड़ ली है। एक तो बहुत चंगी एग्जाम्पल हैगी है कि वैन द पॉलिटिक्स गवर्नमेंट पॉलिसी तो प्राइवेट सैक्टर जो कंबाइन होंगे आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी बिग फोर्स तो आई थिंक दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। वो एग्जाम्पल ही हैगी है भी जो सारे कट्ठे होकर जो तुम सरबत कट्ठे होकर एक एफर्ट करते हो तो आई थिंक पब्लिक का उन्हें फायदा होएगा ही होएगा। सैकेंड अपना जो पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ा हैगा हिंदुस्तान का। नंबर टू हले अपने लिटरेसी लैवल एजुकेशन लैवल उत्थे तक नहीं पहुँचे तो सरकार जिन्ना मर्जी एफर्ट कर लवे एनी वे वो नहीं एफर्ट कर रहे पर एक प्राइवेट पार्टनरशिप नाल चाहिए होंगी है। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जे सारे कट्ठे होकर विदाउट मच ऑफ कॉम्पीटिशन छड़ के जे कट्ठे होकर काम किया जाए तो आई थिंक वी कैन प्रमोट हेल्थ इन अ मच वाइडर स्केल बहुत ज़्यादा होर बंदे दी आपां सेवा कर सकते हैं।